पुलिस प्रेशर में थी। अगर बलियाड़े की बात करूँ तो विधानसभा वो नहीं खड़ा, वो नहीं खड़ा। और आपके विधायक जी तो आपके खुद ऐसी समस्या है, हमारे उनको दर्द तो छलकता होगा, पता नहीं होगा क्या? हमारे विधायक जरूर ऐसी समस्या है, लेकिन वो एक चुने हुए प्रतिनिधि की जगह बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने का काम कर रहे हैं। यानी कि इस SC ST एक्ट के तहत जो अपराध करेगा उसमें समझौता नहीं किया जा सकता। पुलिस तो दूर की बात है, इस मामले में ट्रायल कोर्ट भी समझौता नहीं करा सकती, हाई कोर्ट भी समझौता नहीं करा सकती। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं सर आज क्या मामला है, किस प्रकार का मामला है ये? गांव बलियाली का मामला है। गांव बलियाली में जो निवर्तमान सरपंच है उसका जो फादर था वो, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में वो पर्टिकुलरली चमार कास्ट को माँ बहन की और जाति सूचक गालियाँ बक रहा था। वो वीडियो वायरल हो गया था। हमारे गाँव के जो साथी हैं उन लोगों ने उस वीडियो को CD में डालकर पुलिस में कंप्लेंट की थी। 18 नवंबर को कंप्लेंट की थी और उसके बाद 22 तारीख को उस पर FIR दर्ज हुई थी। 22 तारीख को FIR दर्ज होने के बाद 22 नवंबर को FIR दर्ज हुई थी। आज 22 जनवरी हो चुकी है, उस मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की और जबकि पुलिस के पास डायरेक्ट एविडेंस है, सबूत है, उसमें वो गाली बकता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी जो SC ST एक्ट है उसमें 30 दिन की जाँच का प्रावधान होता है और जाँच के बावजूद भी पुलिस इसमें इनएक्शन किए हुए थी, जिसके चलते पूरे गांव के लोगों में काफ़ी रोष था और इसी रोष स्वरूप उन्होंने आज एक आंदोलन और रोष प्रदर्शन का आयोजन किया था। गाँव यहाँ पर भिवानी के नेहरू पार्क में हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर सभी संगठनों के लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद पूरे शहर में से जुलूस निकालते हुए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ भी हम लोगों ने अलग अलग से पुलिस कार्रवाई न करने का कारण बता से एडवोकेट है। जो पुलिस कार्रवाई ना करने का कारण है सर, उसमें हम लोगों को जहाँ तक पता चला कि उसके जो आरोपी है उसके वो RSS की उसकी बैकग्राउंड है और CM साहब के साथ उसके कोई सियासी ताल्लुकात हैं और CM साहब उसके घर का एक दो बार विजिट भी कर चुके हैं, जिसके चलते पुलिस प्रेशर में थी। अगर बलियाड़े की बात करूँ तो विधानसभा वो नहीं खड़ा, वो नहीं खड़ा। और आपके विधायक जी तो आपके खुद ऐसी समस्या है, हमारे उनको दर्द तो छलकता होगा, पता नहीं होगा क्या? हमारे विधायक जरूर ऐसी समस्या हैं, लेकिन वो एक चुने हुए प्रतिनिधि की जगह बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं पिछले 5 साल से भिवानी की एट्रोसिटी के मामलों में हम लोग आवाज़ उठाने का काम करते आ रहे हैं और मेरे को कहीं भी इस MLA की प्रेजेंस वहाँ पर नज़र नहीं आई। तो ऐसे हमारे विधायक हुए ना हुए बराबर हैं और इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो किस समाज से है। जिस व्यक्ति के अंदर हमारे समाज के लिए दर्द नहीं है, समाज के लिए तो समाज के लिए बात लड़ता है इंसान सर, समाज के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन अगर क्योंकि आज देश के अंदर यही देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम देखो, समाज की लड़ाई देखो साहब, जो इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी समाज की एट्रोसिटी में हमारे साथ खड़ा नहीं होता, वो विधायक हुआ ना हुआ हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जहाँ तक मैंने वीडियो देखी है वो कहीं ना कहीं नशे में है, तो इस प्रकार की बातें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो नशे में है या नशे में नहीं है, उसकी एज कितनी है, इस बात से बिल्कुल कतई कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये उसके लिए कोई डिफेंस नहीं है, कानून में भी कोई डिफेंस नहीं है कि भाई वो नशे में था या नहीं था। और स्पष्ट तौर पर जो उसने काम किया है SC ST एक्ट और IPC की कुछ धाराओं के तहत अपराध है और उसके तहत उसकी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। सर जिस प्रकार से गांव ने सरपंच बनाया है, अब एडवोकेट हम सुलझ जो आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी समाज के लिए भी, जिस प्रकार से गांव ने सरपंच बनाया है और उसके पिता की इस तरह से भाषा शैली है, तो क्या लगता है कि गाँव वासियों किस तरह के सोच के वोट दिए होंगे, क्या सोच के वोट दिए होंगे और किसको बनाया होगा? देखिए इस मामले में हमारा जो ओपन में गलियाली की सीट सरपंच की ओपन थी और एक SC समाज से भी SDU साहब इलेक्शन में खड़े थे और वो कुछ नॉमिनल वोटों से आ रहे हैं और उनका आरोप है कि धांधली की गई है, क्योंकि जो जीता है वो सरकार से डायरेक्ट उसका ताल्लुकात है, उसके बारे में हाईकोर्ट में पटिशन डाली हुई है हमने, ठीक है। हम क्लेम करते हैं कि हमारे समाज का 90-95% वोट हमारे SDU साहब को गया है, लेकिन जो EVM ने पर्ची निकाली है वो उनकी पर्ची निकाल दी
ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है। दूसरी बात, जो व्यक्ति गांव के सरपंच के पद पर चुना गया है उसका पिता एससी समाज के बारे में इस तरह की मानसिकता रखता है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो गांव में एससी समाज के साथ, एससी समाज की मोहल्लों के साथ, गलियों के साथ और उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा जो शुरू से ही, ये मतलब पक्षपाती की बात नहीं कर रहा, पक्षपात और भेदभाव तो थोड़े ऊँचे शब्द हैं, ये तो उसके दिमाग में एससी समाज के लिए जो नफरत है उसका एक छोटा सा प्रदर्शन है उसने किया है। क्या सर, अभी इस लड़ाई को किस तरह लड़ा जाएगा, ग्राम में लड़ाई रखा जाएगा, कोर्ट की लड़ाई लड़ा जाएगा, कानून का सहारा लिया जाएगा, किस प्रकार से लड़ाया जाएगा? हमने कानून का सहारा लिया है, पुलिस में कंप्लेंट दी है, डीएसपी साहब आज हमारे पास आए थे, उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया अरेस्ट के लिए, संभवतः 4 दिन के अंदर उसकी अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अरेस्ट हो जाएगी तो कोर्ट में केस चलेगा और अदालत को हमारी बात सही लगी तो उसको कम से कम 5 साल की सजा होगी। तो सर, लोकतंत्र है इस देश पे 6 महीने चल रहा है या राजनीतिक ऐवी होती देखी जा रही है लोकतंत्र के ऊपर? देखिए, लोकतंत्र की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा चुकी हैं, मौजूदा सरकार जो है पिछले 10-12 सालों में लोकतंत्र नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बची है, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन जो है वो भी एक सरकारी एजेंट की तरह, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी प्रभावित किया जा रहा है। तो देश की हालत बहुत विकट है, गंभीर है, देश का लोकतंत्र संविधान बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है, इस मामले में सभी को इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, अन्यथा देश बिल्कुल गलत में चला जाएगा। चलो जी, थैंक यू सर। तो जी और कुछ कहेंगे? चलो जी, ये मामला है गांव बलियाली का, अब देखते हैं जी किस प्रकार से मामला कानूनी लड़ाई से लड़ा जाएगा, किस प्रकार से इसके ऊपर नज़र होगी, किस प्रकार से यहाँ पे देख रेख में काम होगा और कितने दिनों में उनकी गिरफ्तारी की जाए जो इनकी मांग है। लेकिन काफ़ी मिनटों से कहूँ, काफ़ी घंटों से कहूँ तो आज कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर के गेट के आगे साकड़ लगवा दी थी। यह हुआ एकता, अगर एकता होगी तो सब कुछ आपके आगे आगे देखा जाएगा। JNC नोश है, अजय नायक, पंकज सोनी किया।